हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुका है सर्दियों का मौसम और अभी फूल गोभी तो बहुत सारे मिलते हैं, तो आज मैं फूल गोभी की मंचूरियन बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए मैं बनाती हूँ और मैंने कुछ तैयारी भी कर ली है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने काटे हुए दो बड़े प्याज, दो शिमला मिर्च और लहसुन, 7-8 लहसुन की कलियां हैं और दो हरी मिर्च है। और यहाँ पर ये फूल गोभी, इसे मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे मैं कद्दूकस करूँगी। तो फ्रेंड्स, और ये है कॉर्न फ्लोर। मैंने डेढ़ गोभी ली है लगभग, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ कॉर्न फ्लोर इसमें, जितने में कि ये बंध जाए। मैंने 8 चम्मच कॉर्न फ्लोर डाले हैं और मैं अभी इसमें 1 चम्मच मैदा डालूंगी, 1 चम्मच और। उसके बाद पहले मैं इसे मिक्स करके देखूंगी, उसके बाद फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और भी कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालती हूँ। तो ये है चिकन मसाला, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप डालें, वरना ना भी डालें कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच ये सोया सॉस, 1 नमक। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसमें भी थोड़ी सी और देनी पड़ेगी कॉर्नफ्लोर। तो अब ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल लड्डू बन जा रहा है। तो अब ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया है।
ये मैंने दो टमाटर डाले थे, तो फ्रेंड्स अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार है बनकर। तो ये बन गया ग्रेवी वाला मंचूरियन, वो भी मंचूरियन। अगर आप इतना ग्रेवी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ना डालें, इसे सूखा सूखा ही भूनकर मसाले को आप छोड़ दें।
तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये मेरी गोभी मंचूरियन की रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में पराठा या रोटी या फिर फ्राई राइस के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।